हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी। कैसे हैं आप लोग? सो दिल्ली में ना लॉकडाउन लग गया 3 दिन का, और बस आज है जुम्मा, हमने नमाज पढ़ी, इन्होंने भी पढ़ी। आज मेरा शूट यही कर रहे हैं क्योंकि अब इनकी 3 दिन तक छुट्टी है, और 3 दिन तक घर में बहुत झगड़े होने वाले हैं क्योंकि ये छुट्टी पर होते तो हमारी बहुत लड़ाई होती है। तो अभी राशन लेके आए हैं क्योंकि पता नहीं होता मोदी जी का, अगर 3 दिन से 6 दिन कर दिए तो उनका कुछ भरोसा नहीं है। तो राशन वगैरह सब मंगा लिया है घर पे, और अब जा रही हूँ खाना बनाने। तहरी बन रही है सोयाबीन की, तो खाना बनाएंगे। और मैं खाली बैठे थे, हमने सोचा कि ब्लॉगिंग शूट कर लेते क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि आप डेली ब्लॉग डाला करो, अपनी डेली की लाइफ ही हमारे साथ शेयर करा करो। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी डेली की लाइफ में क्या क्या करती हूँ। देख सकते हो हमारी इंडिया की औरतों की हाइट कितनी छोटी होती है। दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ चढ़ी हुई है। हर किसी की नहीं होती है, ठीक है? दिखा हर किसी की हाइट छोटी नहीं होती है। हाँ, पर मेरी की तो छोटी है। ये क्या डाल रही हूँ? ये डाल रही हूँ जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला ताकि चावल में थोड़ा अच्छा टेस्ट आए। ये तो है। अब छुट्टी है तुम्हारी तो बिरयानी बनाती हो तुम, तहारी बना रही हो? तहारी क्योंकि तुम्हें सोयाबीन की तहारी पसंद है इसलिए। रायता बनाया? हाँ, रायता ही बनाया। आता नहीं है लग रहा बनाने, तुमने सोयाबीन फ्राई करा नहीं? हाँ, बस ऐसे ही। अरे मैं भूल गई ना सोयाबीन फ्राई करना, हमारी बातों के चक्कर में। सही है, तुम्हें फ्राई ही मिलेगी चाहे मैं जैसे भी फ्राई करूँ। हम बहुत जुगाड़ होते नहीं। सही है। तो गाइस, मेरे से ना एक गलती हो गई है। मैंने ना, मेरे को पहले ना सोयाबीन फ्राई करने चाहिए थे फिर मसाला बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले मसाला डाल दिया, तो मैं अलग से सोयाबीन फ्राई करके इसके अंदर डाल दूँ। जब भी कहूँ हर बार इतना ख़राब खाना कैसे बनाती हूँ, कुछ ना कुछ तो गलती कर ही देती हूँ। बिल्कुल, तो हर बार फ्राई करके डाल दी, इस बार थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं, फिर मसाला बन रहा है मेरा। और दूसरी तरफ अल्लाह चला दिया ना तुमने। नहीं यार, कुछ भी कहो, माशाल्लाह खाना तुम अच्छा बनाती हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे जितने भी व्यूवर्स है ना, वो एक दिन दावत पे आ जाए। इंशाल्लाह हम सबको बुलाएंगे। हैं, बुलाएंगे ना। ओ माशाल्लाह, तो खाना बन गया, निकाल दे, बहुत तेज वाली भूख लग रही है। ये रहा मेरा रायता, चलो खा। हाँ भैया, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लग रही है। कभी सुनता। तो गाइस, खाना खाने के बाद ना मैं सो गई थी, और मैं देखो रात के टाइम उठी हूँ 7 बजे। काशिप भाई आए थे, फिर उसके बाद ये लोग चले गए, और बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, और देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, तो अच्छा लग रहा था। गर्मी काफ़ी थी, और मैंने उठ के देखा कि किचन मेरा कितना गंदा हुआ हुआ है क्योंकि ईशुमार और उसके पापा दोनों ही गंद मचाते हैं, तो देखो कितना गंदा है। तो पहले मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा कोई काम करूँगी। बाबू भी अभी सो रहा है, तो जल्दी से सफाई करते हैं। मेरी सफाई हो गई है, मैंने सारा किचन विचन साफ़ कर लिया है, और बर्तन भी धो लिए हैं, और पक रही है मेरी ग्रीन टी, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि आज मेरी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा डाउन है क्योंकि पूरी रात नींद नहीं पूरी हो पाती है, और फिर दिन में सो तो ऐसे ही बहुत लो सा फील होता है। मैंने ग्रीन टी बनाई, और मेरा चेहरा देख रहे हो ना कितना उतरा हुआ है, क्योंकि बस नींद नहीं पूरी होती और अभी भी बस ऐसे ही हो रहा है। तो ग्रीन टी बनाई, मैंने सोचा ग्रीन टी लेके आराम से सुकून से पीऊँगी, और बस ये निकाल कर मैं अंदर जा ही रही थी कि जाके देखा कि हमारे जो माशे हैं वो जागे पड़े हैं, तो जैद उठ गया था यहाँ पर, वो देखो कितने आराम से पड़ा हुआ, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो सोया है। और इधर शुमारा जी अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी, तो वो बेचारी अपनी फ्रेंड को बोल रही है कि आ तू भी देख कैमरे में, पर वो ज़्यादा ही शर्मा रही थी कुछ, वो आई नहीं। और बस जैद को देख के मेरे को लगा कि चल अब इसके साथ खेलना पड़ेगा, अब क्या मैं सुकून से पीऊँगी। फिर भी मैं बैठ गई और उसके साथ भी खेल रही थी और अपनी ग्रीन टी पी रही थी। और फिर उसके बाद ये लोग गए हुए थे, फिर ये आए, और आने के बाद ये देखो ये लेके आए चिल्ली पटैटो, रात मतलब ग्रीन टी पी और उसके बाद चिल्ली पटैटो। आ जाओ भैया, बिल्कुल आ जाओ। हाँ, तुम्हारी क्या होगी? काम आता है। उसके बाद डिनर टाइम हो गया, तो यहाँ तो मैं बता ही रही हूँ आपको कि मैंने क्या क्या बनाया। दाल चावल बनाया नहीं, तो दाल बाहर से आई थी,
तो मैं वॉइस ऐसे इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि जो ये कुछ मेरे फ़ोन से शूट हुआ और कुछ इनके फ़ोन से, तो मेरे फ़ोन में जो है वो आवाज़ नहीं आती है। तो ये दाल बाहर से मंगाई थी, दाल चावल बनाए थे क्योंकि बस मन नहीं था कुछ ज़्यादा अच्छा खाने का और बनाने का, और बस खाना खाया मैंने और हम दोनों ने मिलके खाना खाया। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा टहला वहीं घर पे, वहीं पास में किचन के पास अपने थोड़ी टहली मैं, और टहलने के बाद सब साफ वगैरह करके घर वर फिर मैंने दोबारा बनाई अपनी ग्रीन टी। और देखो बाहर का मौसम कितना प्यारा, बारिश वाला मौसम है क्योंकि बारिश आएगी और आनी भी चाहिए, दिल्ली में बहुत गर्मी है। और मैंने नाइट में किया अपना स्किन केयर, जैसे कि आप देख सकते हो मैं इस टाइम भूत लग रही हूँ पूरी, नाइट में स्किन केयर किया और मैंने ग्रीन टी बनाई। बस ऐसे ही मेरा सारा दिन निकल जाता है, मेरा घर मेरे बच्चे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।